हेलो डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश, योग भारती, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम 2.4, द फॉल ऑफ ट्रॉय। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम। ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ ट्रॉय। ओके, इन वार्मिंग अप वी आर गोइंग टू स्टडी Building a story. You hear, you just read the passage, and after that you just make a story according to yourself. Okay. The next point. A interviews me aap dekhiye. A, B, and C. A, why? From groups of five, choose a familiar character from any one of the epics you know. अर्थात किसी एक epic महाकाव्य के बारे में आप याद करिए और उस महाकाव्य के बारे में किसी एक familiar character को चुनिए। One person from the group plays the role of that character. Others in the group frame questions related to that characters and condition is that all questions should be with why. They interview the character using these why question practice and present the interview in the following in the classroom. यहाँ पे आप उस character को choose करना है और उसके role को आपको play करना है और mostly all the question you will ask which is started with the why. Okay. B point, how? Follow the above procedure. Now all questions should begin with how. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पुटअप करना है जो कि सारे क्वेश्चंस हाउ से पुटअप होंगे। प्रिपेयर ए शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑफ योर इंटरव्यूज। सी पॉइंट में लिखा गया है कि आपको अपना एक स्क्रिप्ट तैयार करना है किसका, इंटरव्यू का। तो डियर, मैं इंटरव्यू का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू टेक द इंटरव्यू एंड हाउ टू राइट डाउन द इंटरव्यूज क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, so all of you come to the point. The Fall of Troy, ये कहानी है बहुत पहले की जो कि 900 BCE के पहले ही लिखा गया है। जिस प्रकार से आप ढेर सारे आप अपने धर्मों के अनुकूल महाकाव्यों का अध्ययन किए हो और उनमें से नायक और नायिकाओं की आज भी आप प्रशंसा करते हो, ठीक उसी तरह से इंग्लैंड में ये भी एक कैरेक्टर है, इलियड और ओडिसी, दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एक महाकाव्य में इनके बारे में लिखा गया है। वह महाकाव्य आपका इंग्लिश में है और उन कहानियों के माध्यम से, उन महाकाव्यों के माध्यम से आपका आप सबको पुराने टाइम के बारे में बताया जा रहा है। चलिए, ये कहानी दो भागों में बांटा गया है, एक पार्ट वन है, एक पार्ट टू है। तो पार्ट वन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, साइड में एक क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको इसमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को मैं पहले आपको बता दे रहा हूं जिससे कि इसके आंसर को आप आसानी से जज कर सको कि कहां पे इसका आंसर बताया जा रहा है। ओके, हाउ वेयर इपिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो इपिक्स है वो महाकाव्य है, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रवेश करती है, अर्थात क्यों और कैसे लोग इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अब तक रामायण सीरियल आना बंद हो चुका था, लेकिन आज की जनरेशन मींस इस लॉकडाउन की टाइमिंग में, कोरोना वायरस के टाइमिंग में लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी, सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ा। अन्य सीरियल्स बंद हो गए थे लेकिन टाइम पास के लिए इन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था उनमें रामायण महाभारत की कहानी से जुड़ी हुई स्टोरी को फिर से एक बार देखने का
विचार बना। जैसे कि आप सब जानते हो कि रामानंद सागर की ये बहुत ही उम्दा प्रेजेंटेशन है जिसको कि पूरी दुनिया ने सराहा। आज भी सारी टीवी सीरियल्स में सबसे ज्यादा टीआरपी आप रामायण और महाभारत की देखे होंगे। ठीक उसी महाकाव्य से जुड़ा हुआ इलियड और ओडिसी की भी कहानी है जिसको कि होमर ने लिखा है और जो कि ब्लाइंड हैं, आंख के अंधे हैं, फिर भी उन्होंने इस रचना को लिखा और हम तक उस कहानी के बारे में बताने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं पार्ट वन में क्या बताया जा रहा है। पैराग्राफ नंबर वन, ओके, इपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स दैट रिलेट द डीड्स ऑफ अ ग्रेट नेशनल हीरो। इपिक्स जो है वो एक लंबी कविता होती है, महाकाव्य की एक लंबी कविता होती है जिसके अंतर्गत ग्रेट हीरो महान नायक अथवा ग्रेट नेशनल वॉर अथवा महान राष्ट्रीय युद्ध के बारे में जिक्र किया जाता है। दे ऑफन टेल अस ए नेशंस अर्ली स्टोरी, अर्थात ये महाकाव्य जो है प्रायः हम सबको राष्ट्र के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बतलाते हैं। दे मे बी कंपोज्ड एंड संग आर रिसाइटेड, वे कंपोज्ड किए गए हैं अथवा गाए जाते हैं या आर रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत कई वर्ष पहले। दे आर एक्चुअली रिटन डाउन, और बहुत समय पहले इन कहानियों को या इन रचनाओं को लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आप सेकंड में देखिए। द टू फेमस संस्कृत एपिक्स आर रामायण एंड महाभारत। यहाँ पे है दो महाकाव्य है संस्कृत में जो कि लिखा गया है जिसका जिक्र अभी मैंने किया, रामायण और महाभारत है। एंड द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, उसी तरह से दो महान यूरोपियन लिटरेचर के भी महाकाव्य हैं, रिटन यूरोपियन लिटरेचर, रिटन इन एंशियंट ग्रीक जो कि प्राचीन ग्रीक लैंग्वेज में, आर द इलियड एंड ओडिसी, और वो रचना कौन सी है, द इलियड एंड द ओडिसी, ये रचना है। जस्ट एज इन इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य के अंतर्गत वी गो बैक टू स्टोरीज, हम उनकी कहानी की तरफ चलते हैं, फ्रॉम द रामायण की तरफ एंड द महाभारत की तरफ। ओके, सो इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज दे गो बैक टू द इलियड एंड द ओडिसी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से महाभारत और रामायण की कहानियां लिखी गई हैं, ठीक उसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के अंतर्गत साहित्य के क्षेत्र में इलियड और द ओडिसी के बारे में लिखा गया। ओके, नेक्स्ट है, यहां पे आपको बताया जा रहा है, जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया नो द नेम्स ऑफ स्टोरीज ऑफ राम एंड सीता, मतलब संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी लोग राम और सीता की कहानी को जानते हैं। यहाँ पे पात्र का नाम है राम एंड सीता जो कि रामायण के हीरो और हीरोइन हैं। युधिष्ठिर एंड अर्जुन की कहानी को लोग जानते हैं एंड द्रौपदी जो कि महाभारत से जुड़े हुए हैं। सो चिल्ड्रेन इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक उसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के जो बच्चे हैं, नो द नेम्स ऑफ हेक्टर एंड ओडिशियस, वो उनको हेक्टर और ओडिशियस एंड अचिल्स के नाम पता है। हेलेन ऑफ ट्रॉय, और हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में पता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। अब यहाँ पे देखिए क्या है उस औरत की क्वालिटी, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, ओके, जो कि सबसे सुंदर महिला है इन द वर्ल्ड संसार की, बिकॉज ऑफ होम, क्योंकि होम द ग्रीक एंड द ट्रोजन्स फॉट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, जिसके लिए अर्थात उस महिला के लिए ग्रीक और ट्रोजन्स लगभग 10 वर्षों तक, ग्रीक एंड ट्रोजन्स फॉट फॉर 10 ईयर्स, लगभग 10 वर्षों तक युद्ध लड़े। अब ठीक वही कहानी ऊपर में आप आ जाइए,
रामायण में सीता के लिए युद्ध हुआ, महाभारत में द्रौपदी के लिए युद्ध हुआ, और इलियड और ओडिसी में जो है हेलेन के लिए युद्ध होता है, और वह युद्ध लगभग 10 वर्षों तक चलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नोबडी नोज फॉर सर्टेन हु इज द ऑथर ऑफ दीज अर्ली पिक्स इज, अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि प्रारंभिक काल में लिखी गई इस पिक की कौन क्या चीज लेखक है। इट इज थॉट दैट, ऐसा सोचा जाता है कि दे एरोज एंड डेवलप्ड विद द नेशन इटसेल्फ, इसकी उत्पत्ति जो है वो स्वयं राष्ट्र में अपने आप हो गई है। एंड वेयर हैंडेड डाउन फ्रॉम सिंगर टू सिंगर, जो कि एक सिंगर के बाद दूसरे सिंगर को हैंडेड डाउन किया गया, मतलब एक के बाद एक गाते गए। वन ग्रेट पोएट गेव देयर फाइनल फॉर्म, और एक कवि ने उसको फाइनल फॉर्म के रूप में दिया। अब यहाँ पे दिया क्या बताया जा रहा है, फाइनल फॉर्म के रूप में। ओके, अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं यहाँ पे, जैसे कि रामायण और महाभारत की कविताओं को आज पहले कोई किसी रामायण और वाल्मीकि और तुलसीदास ने लिखा, और महाभारत वेदव्यास ने लिखा, ठीक उसी तरह से उनके बाद भी आज तमाम विद्वान ऐसे हैं, सत्संग वाले हैं, ऐसे विद्वान हैं जो कि आज हम आप भी उस गीत को, उस भजन को गुनगुना रहे हैं और गा रहे हैं। ओके, इट इज बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि द इलियड एंड ओडिसी वेयर कंपोज्ड एंड रिसाइटेड बाय ए ब्लाइंड पोएट, जिसको कि कंपोज्ड और रिसाइटेड किया गया है एक ब्लाइंड मैन के द्वारा, जिसका नाम क्या है, होमर, जिसका नाम है होमर, हु लिव्ड अबाउट 900 BCE, जो कि लगभग 900 वर्ष बिफोर क्राइस्ट ऑफ ईस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 900 वर्ष पहले, एंड हु वांडर्ड फ्रॉम वन ग्रीक सिटी टू विलेज, जो कि एक ग्रीक सिटी से होते हुए वो गांव की तरफ यात्रा करते थे, टू अंदर सिंगिंग हिज पोएम्स, और अपने गीत को गाते थे, ऑल हु वुड रिसीव हिम इन देयर होम्स, जो भी व्यक्ति उनको अपने घरों में शरण देता था, एंड हिम हॉस्पिटलिटी, और उनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता था। दिस वॉन्डरिंग सिंगर, यह टहलने वाला गायक जो है, सिंगर जो हैज बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस, युगों युगों तक सम्मान मिलता रहा, नॉट ओनली इन ग्रीस, बल्कि ग्रीस में ही नहीं बल्कि इन ऑल यूरोप, संपूर्ण यूरोप में उनको सम्मान मिलता रहा, एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री, और उनको एक उपाधि मिली, क्या, फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री की उनको उपाधि मिली। ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 40, द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, इलियड जो है वो कहानी है इलियम और ट्रॉय की, ए रिच ट्रेडिंग सिटी, जो कि एक धनी व्यापारिक शहर है, इन एशिया मैनर, एशिया के अंतर्गत आने वाला, नियर द नैरो सी, जो कि पास में है, द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी, जो कि एरिया जो है एजियन से होते हुए ब्लैक सी, काला सागर जिसको हम कहते हैं, ब्लैक सी तक के एरिए तक फैला हुआ है। इट वॉज वेल स्विचेड, यह बहुत ही व्यवस्थित स्विचेड है, बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, किसके लिए, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, व्यवसाय के लिए और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए वो प्रसिद्ध है। इन फ्रंट ऑफ द सिटी, शहर के सामने, वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स, वहां पे एक क्या है, सिटी, इन फ्रंट ऑफ द सिटी, शहर के सामने, वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ, जहां पे समुद्र के अंदर नाएं चल रही हैं। ओके, ट्रॉय अर्थात जो कि एशिया मीनार से होकर के ट्रॉय तक की रूट तय करते हैं, कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, और उनका व्यापार था, व्यापार में वो गुड्स एंड ग्रेन को ले जाया करते थे। एट द बैक
वापस आते समय रोज द हाई पीक ऑफ माउंट इडा, और वो माउंट इडा के उच्च चोटी पर जाते थे, फ्रॉम विच फॉलोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम, जहां पर ढेर सारी रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं। ओके, द वैलीज एमंग द हिल्स वेयर, द वैलीज एमंग द हिल्स वेयर वेल वाटर एंड फर्टाइल, जो वहां की पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, घाटियां हैं, वो सब एकदम पानी से और उर्वरकता से भरे हुई हैं। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल, उर्वरकता में कॉर्न फसल की उत्पत्ति होती है मैदानों में, एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच घास, ग्रास, और जानवरों के को हरे हरे अच्छे अच्छे घास घासें मिलती थी खाने के लिए। ऑफ द मेडोज, वहां पे एक चरागाह भी था, वाइल सीप फेड द स्लोप्स ऑफ द हिल, और भेड़े जो हैं वहां पे चट्टानों पर स्लोप्स में जो हैं वो बढ़िया ढंग से उस पहाड़ी पे यात्रा किया करते थे। ओके, नेक्स्ट, राउंड देयर सिटी, यहाँ पे दिया गया है राउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग वॉल। कहानी यहाँ से शुरू होती है, ट्रोजन्स जो हैं अपने शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी मजबूत दीवाल बनाए हुए हैं, सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम, जिससे कि कोई भी शत्रु उनके कहां पे उनके कैंपस के अंदर या उनके क्षेत्र में आक्रमण न कर सके। फ्रॉम द सी, समुद्री छोर से, द वॉल्स वॉज सो ब्रॉड, दीवाल जो है वो इतना चौड़ा था कि पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट, जिसपे कि लोग बैठ सकते थे और चल सकते थे। ओके, द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन, एक बड़ा सा वहां पे गेट ओपन होता था, एंड पीपल कुड गो टू द सीशोर आउटसाइड, और जिसके माध्यम से, उस गेट के माध्यम से लोग समुद्री छोर के पास बाहर जा सकते थे, एंड कम एज दे प्लीज्ड, वो बाहर आते थे और समुद्र का आनंद उठाते थे और खुश होते थे। बट इन द टाइम ऑफ वॉर, लेकिन युद्ध के समय, द गेट्स वुड बी क्लोज्ड, गेट को बंद कर दिया जाता था, एंड देन द सिटी वॉज लाइक ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, और इस तरह से शहर जो है एक मजबूत चार दीवारी में कैद हो जाती थी, यानी सुरक्षित हो जाती थी, क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक, हर प्रकार के आक्रमण से वो सुरक्षित हो जाती थी, प्रोटेक्टेड बाई द वॉल्स, जिसकी की सुरक्षा दीवाल के माध्यम से चारों तरफ से किया गया था, एज वेल एज बाय द हिल्स, और यहां तक कि पहाड़ियों से भी उसकी सुरक्षा की गई थी। ओके, यहां पे आप देखिए क्वेश्चन में है, हाउ डिड द लोकेशन ऑफ ट्रॉय हेल्प इट टू ग्रो इन वेरी रिच प्रॉस्परस सिटी, तो जो कि इस यहां से लेकर के यहां तक के पैराग्राफ को अगर आप रीड करते हो, इस पैराग्राफ में उसका आंसर है कि वह सिटी कैसा दिख रहा है। अब यहां पे आप देखिए, यहां से शुरू है और यहां पे आपका एंडिंग पॉइंट है, तो यहां से यहां तक में उसका आंसर आप लिख सकते हो फाइंड आउट करके। नेक्स्ट, दस ट्रॉय क्या है, दस ट्रॉय वॉज ए स्ट्रॉन्ग सिटी, अब ये जो शहर है बहुत ही मजबूत शहर है, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल, इसको मजबूती से दीवाल के द्वारा से के माध्यम से, एंड स्ट्रांगली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर, और बहादुर सिपाहियों के माध्यम से इसको सुरक्षित रखा गया है। अब आगे है, बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस, लेकिन सारे ग्रीक के सारे राजा और हीरोज जो हैं, had declared war against the Trojans, Trojans के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए हैं, because Paris, यहाँ पे Paris character का नाम है, a prince of Troy, जो कि क्या है, prince of Troy, Troy के prince हैं, had persuaded Helen, जिन्होंने Helen को अपना बना लिया है, wife of Greek, जो कि Greek के राजा Menelaus की पत्नी है, to elope with him, और वो उनके साथ क्या कर लिए हैं, एलोप, यहाँ पे कहने का मतलब, एलोप का मतलब ये है कि जबरदस्ती उस पर आधिपत्य जमा लिए हैं, he had brought her to Troy, वो और उसको वापस वहां से ट्रॉय लेकर के
चले आए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रीक की पत्नी है, ग्रीक के किंग की पत्नी है, प्रिंस की पत्नी है हेलन, जिसको कि ट्रॉय के राजा जो है वो किडनैप कर लिए हैं। ओके, द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज, और ग्रीक के लोग जो है वो बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं ऑन ट्रॉय, ट्रॉय के लोगों से, फॉर द रॉन्ग डन टू मिनलस। उन्होंने ट्रॉय के राजा रिवेंज ग्रीस के राजा मिनलस के साथ उन्होंने गलत किया। दे सेल टू ट्रॉय विद, नाव खे करके ट्रॉय पहुंच जाते हैं, जहां से ट्रॉय पहुंचते हैं, एंड लेट सीज टू द सिटी, और शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड, द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, और युद्ध जो है वो लगातार चलता है, लगभग वह युद्ध जो है सीज कंटिन्यू लगातार 10 वर्षों तक युद्ध होता है। मतलब यहाँ पे 10 वर्षों तक युद्ध होता है और युद्ध का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। यहाँ पे आप पैराग्राफ के बाद एक क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द 10 इयर्स ओल्ड वॉर बिटवीन ग्रीक्स एंड ट्रोजन, यानी 10 वर्षों के युद्ध का कारण क्या था ट्रोजन्स और ग्रीस के बीच। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि इस वाले पैराग्राफ में दिया गया है कि उन्होंने क्या किया था। ऊपर के पैराग्राफ में स्पेशली दिया गया है कि वो ग्रीस के पेन की प्रिंसेस को अर्थात हेलेन को वो किडनैप कर लिए हैं, अर्थात किडनैप करने के पश्चात अपने पास रख लिए, जिसकी वजह से ग्रीस के लोग जो है ट्रॉय से युद्ध के लिए लड़ाई लड़ते युद्ध करते हैं, और लगभग यह युद्ध 10 वर्षों तक चलता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, प्रतिदिन युद्ध होता है, बट द सीज डिड नॉट एंड, लेकिन जो युद्ध है वह खत्म नहीं होता है। ऑन द वन हैंड, एक हाथ से, द ग्रीक कुड नॉट टेक दैट सिटी, और ग्रीक्स लोग जो है वो शहर को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वो ट्रॉय में आकर के बस जाते हैं नदी के किनारे और वहीं पे रहते हैं, डेरा जमा लेते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से, द ट्रोजन कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, और ना ही ट्रोजन्स में इतनी ताकत थी कि वो उनको वहां से भगा सके। अर्थात यहाँ पे दोनों के लिए बातें हैं कि न तो ग्रीस वहां से हटने का नाम ले रहा है और न ट्रोजन के पास इतनी ताकत है कि ट्रोजन्स के लोग वहां पे उसको भगा सकें। ओके, एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स, प्रत्येक दिन, हर दिन जो है ट्रोजन्स के लोग जो है वो गेट से बाहर आते थे, एंड द ग्रीस केम आउट ऑफ देयर टेंट्स, और ग्रीक के लोग जो है वो अपने टेंट से बाहर आते थे। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है, एंड शिप्स, अपने टेंट से, एंड शिप्स, और जहाजों से वो लोग बाहर आते थे। एंड द फाइटिंग वेंट ऑन, और युद्ध जारी रहता था। समटाइम्स देयर वेयर ग्रेट बैटल्स बिटवीन टू आर्मीज, कभी कभी तो दोनों सेनाओं के मध्य एक बहुत बड़ा युद्ध होता था। समटाइम्स देयर वेयर सिंगल फाइट्स, कभी कभी अकेले युद्ध हुआ करता था। बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, दो बड़े बड़े या दो हीरो के बीच में। समटाइम्स द ट्रोजन हैड द बेटर, कभी कभी तो ट्रोजन्स लोग जो है अच्छा सा प्रदर्शन करते थे। एंड समटाइम्स, और कुछ समय द ग्रीक्स, कुछ समय तो ग्रीक्स लोग अच्छा प्रदर्शन करते थे। ग्रीक हीरोज ऑन बोथ साइड वेयर किल्ड, ग्रीक ग्रेट हीरोज, यानी दोनों तरफ के महान जो नायक थे, हीरोज थे, वो मारे जाते थे इन द कोर्स ऑफ वॉर, युद्ध की वजह से। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी, अपनी शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या सुरक्षा करते हुए, फॉर 9 इयर्स, लगभग 9 वर्षों तक, द ब्रेव हेक्टर, बहादुर हेक्टर जो था, वाज एट लास्ट किल्ड बाय अचिल्स, उसकी मृत्यु हो जाती है अचिल्स के द्वारा, यानी अचिल्स ने हेक्टर को मार डाला। होम नन कुड रेसिस्ट, जिसको कि कोई भी व्यक्ति बचा नहीं सका, बट अचिल्स हिमसेल्फ वाज किल्ड, और बाद में क्या होता है कि अचिल्स भी स्वयं मारा जाता है।
लेटर ऑन बाय द पॉइजन एरो, और किसके माध्यम से मारा जाता है कि उसके भी शरीर उसको भी एक तीर मार दिया जाता है, और जिस तीर में जो है क्या था, पॉइजन लगा हुआ था, और वो पॉइजन वाली तीर जाके उनके पैर में लग जाती है। अर्थात सारे की सारी बॉडी पे कहीं भी कहीं खरोच नहीं आ रहता है, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो पॉइजन एरो है वो आकर के उनके हील में लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अचिल्स की। हेक्टर की मृत्यु किससे हुई थी? अचिल्स के द्वारा। और अचिल्स की मृत्यु कैसे हुई? पॉइजन एरो के द्वारा। ओके, करके चोट लगता है, मतलब वो तीर लगता है। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वाउंडेड, पूरे शरीर में उसको कहीं भी किसी भी प्रकार का खरोंच नहीं आता है, घाव नहीं लगता है, केवल जिस जगह पे तीर लगा हुआ था वहां पे उसको घाव होता है। स्टिल लेटर बाद में पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड, पेरिस जो है वो भी मारा जाता है, आल्सो बाय ए पॉइजन्ड एरो, उसको भी जहर वाला तीर लगता है जिसके माध्यम से उसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी अचिल्स की और पेरिस की, दोनों की। द ट्रोजन्स वेयर टायर्ड ऑफ बीइंग शट, ट्रोजन्स लोग जो थे वो थक चुके थे, शट अप इन देयर सिटी, और वो अपने आप को पूर्ण रूपेण शहर में बंद कर लेते हैं, यानी गेट बंद हो जाता है। एंड द ग्रीक्स वेयर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, और ग्रीक्स लोग जो हैं वो धीरे धीरे घर जाने के पलायन में आ जाते हैं। बट स्टिल फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन अभी भी जो है वो युद्ध जारी है।